पीठ के सवाल पे मालेगांव कारपोरेशन पहले भी आवाम को ठग रही थी और जब हालात नॉर्मल हो गए मालेगांव शहर के तो अब ज़्यादा ठगा जा रहा है ऐसा हमको एहसास हो रहा है। इस मामले में जो कोविड के नाम से हॉस्पिटल शुरू किया गया है वो उस जगह पर और उस हॉस्पिटल को शुरू करने की ज़रूरत कहीं से नहीं दिख रही थी और बराबर पैसा दिया जा रहा है। हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है वो एजाज बेग साहब आपको बताएंगे। मैं गुज़िश्ता रोज़ मेरा सारा हॉस्पिटल में जाना हुआ और सारा हॉस्पिटल में जाने के बाद जब मैंने पूरा हॉस्पिटल को देखा, मैं ऐसा समझता कि जैसे मुस्तकीम भाई ने बोले कि कोविड हॉस्पिटल चाह चालू करने की ज़रूरत नहीं थी, सच मानो में भी वैसे ही है। अपना इतना अच्छा जिन्होंने सीना ठोक कर बड़े बड़े लीडरान को लाकर रिबिन कटवा कर और कोविड का एक चालू करवाए थे हज हाउस के नाम से, वो क्यों बंद किया गया जबकि वहाँ पर हज हाउस के अंदर हॉस्पिटल अच्छी तरीके से चल रहा था। उसके बाजू में कलीम दिलावर हाल के दिलावर हाल में भी जगह थी, वहाँ पर भी लोगों को रख सकते थे। यहाँ पर हालत इतनी ख़राब है कि कभी कभी लिफ्ट ऐसे ना अटक जाती, 10-10 मिनट नीचे नहीं आती ना ऊपर जाती। और मैंने उस दिन देखा एक पेशेंट के इंतकाल के बाद उसको किस तरीके से नीचे उतारा गया, वो तो मेरे देखने के बाद मेरी खुद नज़र पड़ गई। उसको स्ट्रेचर के ऊपर लेटाया गया, उसको बांध दिया गया, बांधने के बाद उसको लिफ्ट में खड़े किया गया और खड़े करने के बाद उसको लिफ्ट के अंदर से नीचे उतारा गया। तो ऐसी क्या ज़रूरत महसूस होगी कि सारा हॉस्पिटल छोटी होने की वजह से, क्या इतनी ऐसी ज़रूरत है इनको कि सारा हॉस्पिटल ही को ज़रूरत ले जाना पड़ा, क्या सारा हॉस्पिटल इनको ज़रूरत क्या पड़ गई कि सारा हॉस्पिटल ही इनको पड़ा कि यही ज़रूरत कर, जबकि वो हॉस्पिटल नहीं है। जहाँ पर इन्होंने रखा है वहाँ एक शॉपिंग सेंटर है, जहाँ आप जाके देखेंगे वहाँ पर बाकायदा वो दरवाजे सब निकाले गए, उसके शटर सब पूरे लगे हुए थे, शटर निकाल कर और पर्दा लगा दिया गया और लाखों रुपये की लूटमार की जा रही है। मैं ऐसे लोगों की मजम्मत करता हूँ और मैं इसकी कंप्लेंट जो है राजेश टोपे जी जो आरोग्य मंत्री है उनको भी और सीएम को भी देने वाला है। एक दो दिन में लेटर मैं बड़ा बम्बई जाना होगा तो मैं हैंड लेटर दूंगा कि इस तरीके की लूटमार मालेगांव के अंदर चल रही है, ये बंद होना चाहिए। कितने पेशेंट आ रहे हैं मालेगांव में आप खुद देख रहे, सिटी के अंदर कितने, ठीक है ये बाहर के इक्का दुक्का पेशेंट आते, इतने पेशेंट नहीं है जो ये ज़रूरत महसूस किए, अगर लाखों रुपया बाकायदा बिल निकाला जा रहा है, ये इनका भ्रष्टाचारी बंद होना चाहिए और इसके पीछे कौन है इसको भी सामने लाया जाएगा। अगर इन्होंने ये हॉस्पिटल फौरन नहीं बंद किया 8-15 दिन के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं थी इतने इसके अंदर, तुम जाके वहाँ के बाथरूम अगर चेक कर लेंगे तो तुमको मालूम पड़ेगा ये कितनी ख़राब पोजीशन सिचुएशन के अंदर वहाँ पर। मैं गया, मुझे कई लोगों ने शिकायत की, तो ये ऐसे हालात है, कोई ज़रूरत ना होते हुए भी सारा हॉस्पिटल को चालू किया गया। हज हाउस अच्छा था, वहाँ पर लोग एडमिट हो रहे थे, सुकून से थे। अगर फारन हॉस्पिटल बंद करने की बात थी तो बंद करके उसको दिलावर हाल में डाल दिए जाते और अपनी बहुत सी जगह है इसहाक मुंशी टाउन हॉल के अंदर डाल देते थे, वो भी कारपोरेशन का है। लाखों रुपया देने का मतलब क्या, ये आप खुद समझदार है समझ सकते। मेरा ये इल्ज़ाम है कि वो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। मैं एक दो रोज़ में बाकायदा जाके बम्बई कंप्लेंट देने वाला हूँ। बनाने के लिए कुछ 60-70 लाख रुपए दे दिए, 70 लाख रुपया दिया गया है अभी सिर्फ बनाने के लिए, बनाने के लिए पैसा दिया गया है। और दूसरा जो बिल है उसकी सेंट्रल लाइन का, यानी ऑक्सीजन को जो सेंट्रल लाइन की है उसके लिए जो है वो बिल भी अकाउंट में आ गया है। 75 लाख तो सिर्फ उसके बनाने के लिए उसको दिया गया, कंस्ट्रक्शन और ये वो, जबकि वो कोई जरूरत थी नहीं। दूसरा ये कि सेंट्रल लाइन वगैरह जो किए है सेंट्रल लाइन, तो उसके लिए भी बिल अकाउंट तक आ गया, वो भी ऐसा बोल रहे कि 2-3 दिन में दे देंगे। बात ऐसी है कि जब तुम एक बना बनाया हॉस्पिटल ले लेते, जैसे फारान हॉस्पिटल कारपोरेशन ने ली, तो कारपोरेशन को वहाँ खुद से कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, तुम यहाँ पर खुद से करोड़ों खर्चे कर रहे हो, उसके बाद उसको किराया भी दे रहे हैं। ये पूरे कोविड के पीरियड में मालेगांव कांग्रेस पार्टी ने एक ही काम की, ठेकेदारी, ISDP में बनाना फिर खाली करना, मंसूरा में बनाना खाली करना, हज कमेटी में आना, दिलावर हॉल में आना फिर उसको बनाना बंद करना। ये इलाज करने की नियत होती तो एक जगह बनाने के बाद वहाँ इलाज किया जाता, एक जगह बना के दूसरी जगह आना, ये कहीं ना कहीं ये उस वक्त भी हम बोलते थे कि ये ठेकेदारी करने का एक तरीका है। हमारा उस वक्त भी मांग थी के सिविल हॉस्पिटल को कोविड एक हिस्सा, कोविड का आज भी सिविल हॉस्पिटल का एक हिस्सा को अगर कोविड कर दिया जाए तो कारपोरेशन का करोड़ों रुपया जाये नहीं होगा। ये पहली कारपोरेशन है जहां का सामान्य रुग्णालय
कोविड के लिए रिजर्व नहीं है। बाकी धुलिये की, नासिक की, भिवंडी की सब जगह की मालूमात लेने के बाद एक ही बात आई कि वहाँ का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, वही कोविड के लिए रिजर्व है। और ये तो एकदम नई बात है कि पहले एक आदमी को तुम पैसा दोगे वो उसका हॉस्पिटल बनाए, बना बनाया, और उसके बाद फिर उसको किराया दो। ये दिमाग में बैठने वाली बात नहीं है। जैसे मैं एक फारान हॉस्पिटल की मिसाल दिया कि वहाँ किराया देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, एक हॉस्पिटल था उसको किराया दिए तो कोई गलत नहीं, वहाँ बनाने का नहीं देना पड़ा ना। तुम यहाँ बनाने का भी खर्चा देते, किराया भी देते, तो ये कौन सा तरीका, तुम ये ठेकेदारी का ऐसा तरीका। फिर हम बोलते कि यार ये चैंपियन चोर, ये कोई सोच नहीं सकता था कि कोई हॉस्पिटल को किराया देंगे उसमें कुछ आदमी अपना हिस्सा लगा लेंगे, वो एक बात समझे। ये तुम्हारे मेरे ऐसा आदमी नहीं सोच सकता था कि एक हॉस्पिटल को पहले बनाने का खर्चा देंगे फिर किराया देंगे, तो इसीलिए हम लोग इनको चैंपियन चोर बोलते हैं।